दोस्तों अभी इस वीडियो में हम इसको रूट ऑफ 149 बाय डिवीजन मेथड कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका 1, 2, 3 थ्री डिजिट नंबर है, तो आप इसके साथ यह भी समझेंगे कि थ्री डिजिट नंबर का इसको रूट कैसे निकालते हैं। इस तरीके को आप अन्य सभी थ्री डिजिट नंबर पर लागू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 1 यानी दो डिजिट का पेयर बना दिया इस दिशा में आगे बढ़ते हुए। 1, 2 अंदर आपका सिंगल डिजिट की नंबर आ गया, अंदर कितना आ गया 1। जब अंदर 1 है तो फिक्स है, यहाँ पर आपका 1 × 1 ही लेना पड़ेगा। 1 × 1 कितना आता है, 1 आता है। ये वाली जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपका इसके क्या रहना चाहिए, बराबर या इससे कम रहना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको अभी बोला है कि 1 × 1 ही लेंगे जब 1 आया है तो, क्योंकि 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 जो इसके क्या है, बराबर है। सपोज करो यहाँ आपका 5 होता तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं हम, 2 × 2 लेते हैं, कितना रहा 4। ये वाला 4 देखिए इस 5 से क्या है, कम। इससे आगे जैसे हम एक बड़ी संख्या लेंगे कितना आ गया, 9। ये इस 5 से क्या आ गया, देखिए बड़ा आ गया। ये ना लेकर फिर हम इसको लेते हैं, ठीक है। उस समय हम किसको देखते हैं, यह जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है वो इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। और अभी भी नहीं समझ आया तो दोस्तों, इस पर मैंने खूब सारे एग्जांपल करवा रखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखो। अब ये जो 1 × 1 है, इसको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, इनका गुणा यहाँ लिखेंगे। अगला स्टेप, इनको ऐड किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है, 1 − 1 0 आ जाता है। अगला ग्रुप हम यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ नई संख्या आपकी क्या बन गई, 49। यहाँ कितना है आपका, 2। अब क्या होगा, देखिए यहाँ तो हमने संख्या लिया, उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल भी किया था। ओके, अब यहाँ आपको क्या करना है, ये जो 2 आया है इसके साथ संख्या लेना, उसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो उस 49 से क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, या 49 के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, हमने 2 लिया, 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 44, जो आपका यहाँ 49 से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये हो गया, यदि 3 लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 49 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 को लॉक कर देते हैं। और आप ऐसे डायरेक्ट यदि नहीं समझ पा रहे तो 1-2 ट्रायल कर लो, 3 को ले लो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 को ले लो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, इसको एक बार यहाँ लिख दो, उसके बाद माइनस किया, इसको प्लस करना है। अब आगे हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, इसके साथ आपका 00 आ जाएगा। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 को लेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो हमारा इससे थोड़ा कम संख्या आ जाएगा। ओके, ऐसे जब अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपका डायरेक्ट पता लगेगा, ये कितना है 500, ये कितना 484। देखिए 500 से थोड़ा कम, किसको लिया हमने, अपना 2 को। उसके बाद फिर माइनस करना है, प्लस करना है, आप आगे जहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाला है, तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 149 इक्वल टू 12.2 निकल कर आया है। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बताएँ, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।